ये शेप काफी यूनिक दिख रहा है, यूएफओ टाइप के एयरफोन्स है बोट इमोर्टल 170। इमोर्टल सीरीज में हमने ढेरों सारे एयरफोन्स देखे, रिसेंटली बोट फोकस करा मोर ऑन इमोर्टल देन एयरड्रॉप सीरीज, बिकॉज ये एयरफोन्स है मेनली फॉर गेमिंग एंड इनका जो प्राइस है वो 1500 रुपीज के राउंड, ये 2000 रुपीज के राउंड आपको मिलते हैं। की हाईलाइटिंग की बात कर ले, सबसे पहले तो इसका डिजाइन ही हो गया, उसके बाद 40 ms की लेटेंसी आपको मिलती है, लेटेस्ट कनेक्टिविटी 5.3 अवेलेबल है, क्वाड माइक्रोफोन ENC टेक्नोलॉजी बेसिकली इन ईयरफोन्स पे आपको मिल जाती है। चलिए एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं, कंटेंट वाइज आपको बता देता हूँ, बट वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मॉडल 170 का बॉक्स मिलेगा, सामने एंड पीछे की हाईलाइट दिख जाती है। कंटेंट पैकेजिंग में सबसे पहले आपको मिलते हैं यहाँ पे यूजर मैनुअल्स एंड बोर्ड स्टिकर, उसके अलावा आपको एसेसरीज में मिलती है एक टाइप सी की केबल, 2 pair ऑफ एक्स्ट्रा ear disc जो कि आप अपने कान के छेद के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, एंड मेन डिवाइस आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको दिखा दिया, थोड़ा सा यूनिक है एंड RGB इफेक्ट है जो कि इसको गेमिंग टच देता है डेफिनेटली। बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसी है, तो बिल्ड क्वालिटी पूरी की पूरी यहाँ पे आपको मैट फिनिश मिलती है, कोई भी ग्लोसी नहीं है, तो मैट फिनिश का एक बेनिफिट होता है, जल्दी गंदा नहीं होता एंड जल्दी स्क्रेचेस नहीं आते, सो ओवरऑल बिल्ट इज गुड। डिजाइन की बात करें, डिजाइन में काफी यूनिकनेस है, आपको ऐसे ईयरफोन्स शायद ही देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, RGB इफेक्ट होता है ढेरों अलग अलग टाइप से, बट ये थोड़ा यूनिक वाला है। टॉप पे बोट की ब्रांडिंग है, उसके अराउंड एक सर्कल है जिसपे आपको RGB इफेक्ट मिलता है, देन केस के अराउंड पे आपको RGB इफेक्ट मिलता है। टाइप सी का पोर्ट आपको मिल जाएगा चार्जिंग के लिए। एंड ईयरफोन्स की बात करें भाई, तो ईयरफोन्स यूनिक नहीं है, ये इमोर्टल सीरीज के कोई भी ईयरफोन्स आप उठा ले, सेम साइज में, लुक डिजाइन में ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे देखते हैं। एंड ये भी कुछ ऐसे ही है। जिनकी ईयर फिटिंग की मैं बात करूं, तो ईयर में आपके लाइक टाइट एंड सिक्योर ईयर फिटिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, आप रनिंग जॉगिंग के टाइम पे इनको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, फर्स्ट रीजन बिकॉज ऑफ गुड ईयर फिटिंग। सेकंड, IPX4 रेटेड है, मतलब स्वेट रेजिस्टेंट आपको लेवल मिल जाता है, वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, तो स्प्लैश वगैरह आप इस पे मत डालना। कोई भी गूगल की फास्ट पेयरिंग अवेलेबल नहीं, आपको मैनुअली इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, पेयर करना पड़ेगा आपके डिवाइस के साथ, एंड उसके लिए आपको मिलता है 5.3। जस्ट लीड ओपन करके आपके डिवाइस में सर्च करेंगे तो भाई आपको इनका नाम पॉपअप हो जाएगा, आप इनको इजीली पेयर कर सकते हैं। एंड IWP टेक्नोलॉजी अवेलेबल जो कि बोट के हर ईयरफोन्स में आपको मिल जा रही है, मतलब रिकनेक्ट करते हैं दोबारा से आप इसको यूज करना चाहते हैं, जस्ट लीड ओपन कीजिए, वैसे ही रिसेंटली पेयर डिवाइस के साथ ये कनेक्ट हो जाएंगे वापस। एंड 10 से 15 मीटर की आपको आराम से रेंज यहाँ पे मिल जाती है, तो बड़ी आराम से आप एक डिस्टेंस के बीच में भी इसको यूज कर सकते हैं। और डुअल पेयरिंग का सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मैं सोच रहा था यार इतना प्राइस अगर कोस्ट कर रहे हैं तो डुअल पेयरिंग यहाँ पे होना चाहिए था, बट क्या कर सकते नहीं है। तो उसके बाद आते हैं साउंड क्वालिटी पे, तो आपको मिलते 10 mm के ड्राइवर्स एंड 10 mm के ड्राइवर्स यार काफी सारे ईयरफोन्स में अवेलेबल है, किसी में आपको बेस अच्छा मिलता है, किसी में नहीं मिलता, बट यहाँ पे मैं बोलूँ तो साउंड काफी बैलेंस है, आपको बेस भी अच्छा मिलता है, साउंड क्लैरिटी भी आपको डिसेंट मिल जाती है। एंड इवन दो वॉल्यूम लेवल काफी अच्छे है, मैंने टेस्ट करा था लाइक फुल वॉल्यूम पे, आप मत करना फुल वॉल्यूम पे क्योंकि बैटरी ड्रेन होगी, साथ साथ आपके ईयर भी डैमेज हो सकते हैं, थोड़ी सी लाउड वॉइस प्रोड्यूस करते हैं आपको ये दिखने वाला है। तो बैक टू पॉइंट यार, वॉल्यूम काफी लाउड है एंड आपको म्यूजिक सुनने का मजा तभी आएगा जब आप इसको 70-80% पे यूज करते हैं, 100% पे डिस्टॉर्शन है, 70-80% पे बेस भी अच्छा मिलेगा, साउंड लेवल भी अच्छे मिलते हैं, साथ साथ क्लैरिटी भी ठीक ठाक मेंटेन कर लेते हैं। हाँ, कुछ लोग शिकायत कर सकते हैं पंचे वाला बेस नहीं है, थोड़ा सा फ्लैट काइंड ऑफ बेस यहाँ पे आपको मिलता है। कंट्रोल की बात करते हैं, क्या क्या कंट्रोल आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो वॉल्यूम को छोड़ के सारे कंट्रोल आप कर सकते हैं, तो मतलब आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप कुछ काम कर रहे हैं, फोन आपका साइड में पड़ा है, तो सिंगल टैप से म्यूजिक प्ले पोज, डबल टैप से नेक्स्ट एंड प्रीवियस म्यूजिक पे आप जा सकते हैं। उसके अलावा वॉइस असिस्टेंट अभी कर सकते हैं, कॉल आ रही है एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, बट गेम मोड एक्टिवेट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, मेनली ये ईयरफोन्स है गेमिंग के लिए, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं 40 ms की लेटेंसी, ऑन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली प्लग एंड प्ले खेल सकते हैं। एंड इन गेम यार आपको एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलता है, लाइक जैसा 40 ms साउंड करता है वैसे ही लेटेंसी आपको मिलती है, काफी मिनिमल से गेमिंग के लिए ठीक ठाक आपको मिल जाता है। बट गेमिंग ईयरफोन्स ये हैं तो उसका मतलब ये नहीं है साउंड पे फोकस नहीं किया, साउंड पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, वो भी अच्छा है, बट क्या माइक्रोफोन अच्छा है, क्योंकि गेमिंग दो वे से होती है भाई, एक अच्छा माइक्रोफोन भी चाहिए ना अच्छी लेटेंसी भी चाहिए, तो लेटेंसी आपने चेक कर ली काफी मिनिमल है, बट माइक्रोफोन कैसा है वो हमने चेक किया आउटडोर कंडीशन में, चलिए रिजल्ट देखते हैं। सो गाइस, अभी हम हैं आउटडोर कंडीशन में विद बोट इमोर्टल 170 एंड ये ईयरफोन्स यार एक मिड रेंज ईयरफोन्स आप बोल सकते हैं, 2000 रुपीस आपको ये कॉस्ट करेंगे,
क्वाड माइक्रोफोन ENX टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल है। बेसिकली हम बेटर माइक्रोफोन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ये है इसकी आउटडोर में कॉलिंग परफॉर्मेंस। सो गाइस माइक्रोफोन परफॉर्मेंस आपने चेक कर ली थैंक्स टू क्वाड माइक्रोफोन विद ENX टेक्नोलॉजी। आपको एक ठीक ठाक सा माइक्रोफोन मिल जाता है आउटडोर कंडीशन में, जो कि एक अच्छा खासा आउटपुट आपको दे सकता है। तो अगर आप हैवी ट्रैफिक में बात करना चाहते हैं किसी के साथ या करने पड़ जाता है तो आप कर सकते हैं इसको बिना कोई दिक्कत परेशानी के। अब बैटरी बैकअप वाला पार्ट बच जाता है तो 40 आवर्स का बैटरी बैकअप यहाँ पे आपको केस के साथ मिलता है। एंड ये जो केस है ईयरफोन्स को करीबन 4-5 बार चार्ज कर सकते हैं 0-100%। एंड चार्जिंग टाइम कितना है केस का? चार्जिंग टाइम 1.5 घंटा, ईयरफोन्स का 45 मिनट। तो ये तो था चार्जिंग टाइम के बारे में बात। एंड अगर बात करें हम इंडिविजुअल बैटरी बैकअप, लाइक अगर आप एक ईयरफोन्स को यूज करते हैं कितने घंटे लगातार यूज कर सकते हैं, तो 5-7 घंटा आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टर्म एंड कंडीशन। मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूज करेंगे, गेम ज्यादा खेलेंगे, कूल पीस ज्यादा बात करेंगे तो 5 घंटा, वॉल्यूम लेवल 80-70 के अराउंड रखेंगे, कम गेम यूज करेंगे तो आपको 7 घंटे तक बैटरी बैकअप मिल जाता है। एंड सोलो मोड या मोनोपोड आप बोल सकते हैं इनको यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों ईयरफोन्स को एक साथ यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इंडिविजुअली भी इसको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब आ जाता है कंक्लूजन वाला पार्ट। तो क्या कुछ नया इन ईयरफोन्स में? तो यार मेरे को डिजाइन को छोड़ के बाकी कुछ भी नया नहीं लगा। सेम फीचर आपको बोल्ट ऑडियो के एक्स्ट्रा में मिल रहे थे जो कि रिसेंटली हमने अनबॉक्स किया है। लाइक उसका जो प्राइस था वो 1100 रुपीज है, ये 600-700 रुपए महंगे हैं। तो अगर आप बजट में एक अच्छे फोन्स लेना चाहते हैं तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं, बट हाँ अगर आप बोट के फैन है एंड एक बेटर कस्टमर सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे हैं देन यू कैन गो विद दिस बिकॉज देयर लुक इज स्लाइटली डिफरेंट। तो कंक्लूजन वाइज यही था गाइस, ईयरफोन्स ओवरऑल ओके हैं, परचेज करने लायक है, परचेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।